तो दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और बॉलीवुड अदाकार अनन्या पांडे की फिल्म लाइगर 25 अगस्त को रिलीज हुई। पहले दिन इस फिल्म का जब ठीक ठाक कलेक्शन हुआ, लेकिन समीक्षकों के नेगेटिव रिव्यूज का भी सामना करना पड़ा, जिसका असर कमाई पर देखा गया है। लाइगर को शुक्रवार की सुबह और दोपहर के शोज में भी फिल्म को हिंदी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि मेकर्स को शनिवार और रविवार को अच्छी कमाई की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तीसरे दिन के कलेक्शन के आंकड़े सामने आ गए, जिसके मुताबिक लाइगर की कमाई में पहले की अपेक्षा 50% गिरावट हुई है। हिंदी वर्जन का हाल ज्यादा खराब रहा है, जहां फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टारर लाइगर ने पहले दिन 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, दूसरे दिन इसने 7.70 करोड़ रुपए की कमाई की और तीसरे दिन का कलेक्शन 7.50 करोड़ रुपए का अनुमान है। इस तरह 3 दिनों में इस फिल्म ने 31.20 करोड़ रुपए जुटाने में कामयाब रही। अगर मैं बात करूं लाइगर के हिंदी वर्जन की, तो गुरुवार को 1.25 करोड़ रुपए की कमाई की, शुक्रवार को 4.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म ने 2 दिन में 5.75 करोड़ रुपए की सिर्फ कमाई की है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड में 33.12 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की। लाइगर को लेकर मेकर्स की चिंता भी साफ झलक रही है। दरअसल विजय देवरकोंडा की फिल्म लाइगर धर्मा प्रोडक्शन के तहत बनी है, यही वजह है कि फिल्म को लेकर जबरदस्त तरीके से बॉयकॉट किया जा रहा है। फिल्म लाइगर से विजय ने बॉलीवुड में डेब्यू किया, जबकि अनन्या पांडे ने इस फिल्म के जरिए तेलुगु में डेब्यू किया है। इस फिल्म की घोषणा साल 2019 में की गई थी और साल 2021 में इसके नाम पर मोहर लगी थी। ये फिल्म पहले जानवी कपूर को ऑफर हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया था। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चौथे दिन ये फिल्म कितनी कमाई कर सकती है? जो अर्ली एस्टिमेट सामने निकल कर आ रहे हैं कि चौथे दिन ये मूवी 6 करोड़ रुपए की कमा सकती है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।